तो हे गाइज, मेरा नाम है शिवम एंड आप लोग देख रहे हो SCS Game YouTube चैनल। एंड आज की वीडियो में गाइज हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे बहुत सिंपल एक डाउट्स जो आपके मन में है अभी White 44 के ऊपर। जी हाँ गाइज, अभी आप जैसे देखते ही हो या फिर अभी आप YouTube पे देख ही रहे हो कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिल रही है जिधर White 444 एक्सपोज किया जा रहा है। एंड वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक वीडियो की क्लिप में White 44 अपने लाइव स्ट्रीम में स्क्रिप्ट यूज करते हुए पकड़े गए। अब इस वीडियो क्लिप में एंड इस बात में कितनी सच्चाई है एंड कितना झूठ है वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम यहाँ पे चार टॉपिक कवर करेंगे। पहला कि White 44 कौन है। अब इसमें से मेरे को बहुत पता है कि White 44 कौन है, सब जानते हैं कि कौन है, बट ये टॉपिक हमें बहुत ही डीपली जाके हम पता लगाएंगे कि White 44 कौन है। एंड सेकंड, दूसरा पॉइंट कि White 44 हैकर है, क्या वो हैक यूज करता है। एंड थर्ड पॉइंट, क्या भाई वो वीडियो जो रिकॉर्ड की गई है वो White 44 की लेटेस्ट वीडियो है जिसमें वो हैकर मतलब हैक करते हुए यूज़ करते हुए पकड़ा गया है। एंड फोर पॉइंट, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि वो वीडियो किसने डाली थी जो ये बोलता है कि White 44 हैकर है। तो बस ये आज कंप्लीट हम करने वाले हैं। बस वीडियो को जल्दी एंड देखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई हो, क्योंकि ये टॉपिक मैं आजकल डालता ही नहीं हूँ, मतलब ऐसा डालता नहीं हूँ, बट जब एक पर्सन पे बहुत सारा प्रेशर आता है उसकी हालत क्या होती है आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बस ये कह रहा था, वीडियो को जल्दी एंड देखना। अगर आपको मेरी पॉइंट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साइड वाले बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, क्योंकि 9 लाख तक हम पहुंचने वाले हैं। तो चलो गाइज, बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं म्यूजिक। राजा भोसड़ी तो कैसे आप लोग लोग पॉइंट नंबर वन, हु इज White 44? कौन है ये White 44 और क्यों इसके बारे में इतना क्रेज हो रहा है, क्यों? जहां तक हम लोगों को ये सबको पता ही है कि White 44 एक YouTube चैनल है जो अपने मॉन्टेज डालता है, वो भी कब, 2-3 महीने बाद। जी हाँ, एक ऐसा चैनल जो हर एक वीडियो 1-2 या फिर 1 महीने या फिर 2 महीने का गैप लेके डालता है, ठीक है। वो एक ऐसा चैनल है जो बहुत ज़्यादा गैप लेके वीडियो डालता है, ठीक है, और उसके उस पर हर एक वीडियो पे लगभग हर मिलियन व्यूज क्रॉस है, ठीक है। पर ये ऐसा बंदा जो White 44 है, जो हम सबका इंस्पिरेशन है, जिसको देख के मैं खुद सीखा हूँ, कुछ पीसी में खेला हेडशॉट माना, वो बंदा हैक यूज करेगा तो कितना बुरा लगेगा। हाँ, मुझे पता है कि हम बहुत को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि यार हमने इससे सीखा था कुछ और यही बंदा कुछ फ्रॉड कर रहा है, तो या हमें लगेगा कि ये बंदा बहुत ही बुरा है एंड ये फलाना ढिमकाना, ठीक है। पर कभी आपने ये सोचा गाइज कि ये बंदा के पास 3.9 मिलियन सब्सक्राइबर है, 4 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं इस बंदे के। एंड ये बंदा हर महीने एक एक वीडियो अपलोड करते हैं, फिर 2 महीने एक एक वीडियो करता है, और जिसको ये भी पता होगा सबसे ज़्यादा ऑडियंस इसकी इंडिया से ही है। तो अगर सपोज उसकी जगह पे मैं खुद को रखता और मैं खुद को रख के हर एक महीने में एक वीडियो ऐसे डाल रहा हूँ जो एक, अगर सपोज वो वीडियो में डाल रहा हूँ वो भी हैक हो, तो वो कितना बुरा लगेगा, ठीक है। वो ज़रा सोचेगा कि भाई मैं अपनी ऑडियंस को, अगर मेरे ऑडियंस को ऐसा लगे कि मैं हैक यूज़ कर रहा हूँ तो उनको कितना बुरा लगेगा। सपोज इतना बड़ा मिलियन, इतना बड़ा चैनल होते हुए भी ये बंदा ऐसे गलती क्यों करेगा, ठीक है, क्यों करना चाहेगा, मुझे इसका क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। आई होप सब ये बात समझ गए होंगे। मतलब एक ऐसा यूट्यूबर, एक इतना बड़ा यूट्यूबर जिसके लाखों इंस्पायरेशन है, वो बंदा हैक क्यों यूज करेगा, ये एक पॉइंट यहाँ पे खड़ा हो जाता है, ठीक है। क्यों वो अपनी जनता को ऐसा दिखाएगा कि मैंने यहाँ पे हैक यूज किया है, एक मैं फ्रॉड हूँ। जहाँ तक इसके बड़े बड़े यूट्यूबर्स इससे सीखे हुए हैं, बहुत लोग इससे इंस्पायर है, बहुत लोग इसको देख के, इसका गेम प्ले देख के इम्प्रूव किया है अपने आप को। तो गाइज यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता है कि भाई एक कोई भी इतना बड़ा यूट्यूबर ये हैक यूज करके डिसीजन लेगा, ये हैक यूज करके गेम प्ले दिखाएगा जिससे उसकी सारी ऑडियंस उसको गलत मानने लगे या फिर उसको हैकर बोलने लगे, ठीक है। चलो गाइज, अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पर। अब बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 पे। क्या आप लोगों को पता है कि White 44 ने 6 महीने के लिए YouTube छोड़ दिया था? ऐसा क्या रीजन हुआ था कि जिसमें White 44 ने 6 महीने के लिए अपना YouTube लीव कर दिया था? उसके पीछे का भी सिर्फ एक रीजन है गाइस, हैकर। लोग उसको इतना बोलते थे, उसके हेडशॉट से इतना देख के ये बोलते थे कि भाई ये हैकर है, एंड बहुत सारी वीडियो स्क्रिप्ट वहां पे लेके आए कि बंदा हैकर है। अब यहां पे मैं श्योर नहीं हूं
कि बंदा हैकर है या नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी वीडियोस भी आती हैं जिधर ये लगता है कि भाई ये बंदा हैक यूज कर रहा है, पर कुछ ऐसी वीडियोस आती है जो सिर्फ व्यूज के लिए पाने के लिए या फिर वाइट फोरफोर को बदनाम करने के लिए ऐसी वीडियोस बनाई गई जाती है। इसके पीछे एक ही रीजन है कि वाइट फोरफोर ने यहाँ पे अपने यूट्यूब क्यों छोड़ा था 6 महीने के लिए, इतना बड़ा यूट्यूबर होते हुए भी, इतने सारे व्यूज आते हुए भी 6 महीने का रीजन क्या होता है ऐसा छोड़ने का जो उसको 6 महीने के लिए यूट्यूब छोड़ना पड़ा। पहली बात, जी हाँ सब, उसको इतना डिप्रेस कर दिया गया था गाइस, जिसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, उसको इतना डिप्रेस कर दिया गया था, इतना उसको तंग कर दिया गया था कि वो अंदर से तक टूट गया था। और लाइक वाइट फोरफोर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वो एक बच्चा है हम जैसा, ठीक है, आई थिंक मेरे से ही बड़ा होगा या फिर मेरे से छोटा होगा, वो एक बच्चा है। एंड जब किसी एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर इतना ज्यादा फोर्स किया जाता है, लाइक मिलियन में फोर्स किया जाता है, फिर लाखों में फोर्स किया जाता है, तो उसकी हालत आप खुद ही जरा सोचो कि उसकी हालत कैसी होगी। एंड वही अभी भी लाइक आज की डेट में भी वही अभी सीन हो रहा है, मतलब कुछ ऐसी क्लिप्स को देखकर बंदे ये कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आज वाइट फोरफोर हैकर है। एंड आप जरा भी ये सोच नहीं रहे हो कि उस बंदे के ऊपर क्या जरा फील हो रहा होगा जब सारे बंदे उसके कमेंट में लाइक इंग्लिश में या फिर किसी में भी गाली दे रहे होंगे, जब वो उसको रीड कर रहा होगा तो उस पर कैसा फील हो रहा होगा, आप जरा सोचो ये इस बात को। पर ये लोग मान रहे नहीं है, लोग बिना सोचे समझे, बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ प्रूफ के लोग उसको हैकर बोल रहे हैं, लोग उसको हिट दे रहे हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं है, जरा सोचो इस बात को, ठीक है। एंड चलो गाइस अब बढ़ते हमारे पॉइंट 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3, क्या वाइट फोरफोर की जो वीडियो अभी लेटेस्ट में वर्ज चल रही है, मतलब लाइक जो वायरल हो रही है, जिसमें वो हैक करते हुए यूज करते हुए पकड़ा जाता है, जी हाँ गाइस, ये एक ऐसी क्लिप है जिधर वाइट फोरफोर को लाइक वो स्ट्रीम कर रहा होता है अपने नियो टीवी पे, एंड जब उसका गेम वो करते करते खेलते खेलते उसका गेम क्रैक हो जाता है, तो हमें वहाँ पे एक फाइल सी शो होती है, कुछ लिखा शो होता है जो अच्छी तरीके से भी शो नहीं होता है, वो ब्लर होता है, ठीक है वो वीडियो लाइक वो शो होती है जिससे लोग को ये लगता है कि वो बंदा हैकर है, उसने स्क्रिप्ट यूज़ किया है, एंड वहीं से ये पूरा मामला, पूरी हिस्ट्री, पूरी हैक हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे अब एक पॉइंट खड़ा हो जाता है, क्या वो वीडियो ओरिजिनल है, क्या वाइट फोरफोर सच में हैक यूज कर रहा था, है क्या वाइट फोर को हैक यूज करते हुए पकड़ा गया, और क्या वो वीडियो ओरिजिनल है। तो यह मैं आपको यह बताना चाहूंगा गाइज, वो वीडियो एकदम फेक है, जी हाँ गाइज, जिसने ये वीडियो डाली है, जिसने ये वीडियो प्रूफ किया है कि यहाँ पे वाइट फोरफोर हैकर है, वो बंदे ने यहाँ पे 2 महीने पहले वो वीडियो डाली थी, एंड उसके कमेंट बॉक्स में उसने पिन कर रखा था दिस वीडियो इज नॉट ओरिजिनल, दिस इज फेक, ऐसे कुछ इसने कमेंट पिन रखा था। पर उस वीडियो को उठा के कुछ लोगों ने व्यूज पाने के लिए, कुछ बंदों ने अपने वाइट फोरफोर को हिट करने के लिए, उसको बुराई फुलाई गाली देने के लिए वो वीडियो क्लिप उठाई और उसके ऊपर इतना बड़ा रिएक्शन दिया कि इतना बोला उसके बारे में कि वहाँ पे इतना बुरा उसको बोला है कि पूछो मत कि भाई वो हैक करता है, ये करता है, वो करता है, मैं नहीं बता सकता। तो गाइस ये मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ मेरे अपोनियन है, मैं ना ही इसके तरफ हूँ ना ही मैं उस तरफ हूँ, क्योंकि मैंने वाइट फोरफोर की कुछ ऐसी भी वीडियो देखी है जिसमें भाई ऐसा लग रहा है कि वाइट फोरफोर हैक यूज कर रहा है, लाइक करण, GW करण की आप वीडियो देख सकते हो, वहां पे उसने कुछ ऐसी वीडियोस वहां पे क्लिप करके दिखाई गई है कि वहां पे लग रहा है कि एक साथ 4 बंदे को डैमेज कौन दे सकता है, जी हाँ गाइस, वहां पे वो करण ने दिखाया है कि वहां पे एक साथ उस बंदे ने 4 बंदों को डैमेज दिया है, और वो कैसे किया मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि वाइट फोरफोर हैकर भी है, और कोई मतलब मैं इस वीडियो की क्लिप की बात कर रहा हूँ जिस वीडियो पे आज बहुत ही ज़्यादा मचा रहे हैं कि भाई फाइनली वाइट फोरफोर एक्सपोज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमका, ठीक है। तो चलो गाइस अब लास्ट वाले पॉइंट पे बढ़ते हैं कि वो वीडियो, जो वीडियो आपको मिल रही है, जो वीडियो वाइट फोरफोर के ऊपर बनाई गई है, जो वीडियो एडिट की गई है, वो आखिर किसकी है और किसने अपलोड करी है वो वीडियो। तो चलो भाई पॉइंट नंबर 4, ये एक ऐसा यूट्यूबर है जिसने वाइट फोरफोर की वीडियो क्लिप डाली थी जो अभी ट्रेंड में चल रही है, जिसको वो वीडियो देख के सब लोग वाइट फोरफोर को हैकर बोल रहे हैं, और यार फिर ये कह दो कि एक्सपोज कर रहे हैं। उस चैनल का नाम है गाइस, उस चैनल का मैं नाम आपको बता देता हूं, उसका चैनल का नाम है REDOXFF। ये वो बंदा है जिसके कम से कम 500 से 1000 सब्सक्राइबर है, एंड वो चैनल की वीडियो को लेकर आज बंदे इतना हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि वाइट फोरफोर हैकर है,
इस बंदे ने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसी वीडियो डाली आज से 2 महीने पहले जिसमें वाइट 44 अपने नीवो टीवी में लाइव करते हुए उनका गेम क्रैक हो जाता है जिससे वो उनका हैक दिख जाता है। बट उसी वीडियो के नीचे ये बंदा कमेंट करता है कि दिस वीडियो इज नॉट रियल, इज इट, इट इज फेक। मतलब जब ये खुद ही बंदा ये क्लेम कर रहा है कि ये वीडियो फेक है, तब वो वीडियो को इतना हाइप करने की क्या जरूरत है? जब ये बंदा खुद कह रहा है कि वो बंदा वो ये खुद जो जिसने वीडियो अपलोड करी वो बंदा खुद कह रहा है कि ये फेक वीडियो है, इसको एडिट करके बनाया गया, तो वाइट 44 को इतना हिट क्यों दिया जा रहा है? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन है कि सिर्फ एक ही रीजन है भाई, बंदों को चाहिए सिर्फ एंड सिर्फ व्यूज। बट बंदे ये नहीं सोच रहे कि भाई आप लोग ये इतना हाइप क्रिएट करके इतना सब कुछ बोल के उसके बंदे के ऊपर, एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर इतना सारा फोर्स डाल रहे हो, इतना सारे हेट डाल रहे हो। तो बंदा आज देखो मतलब पिछले लाइक एक साल पहले बंदे ने 6 महीने के लिए यूट्यूब छोड़ दिया था, एंड आप वही फिर से उसके साथ वही कर रहे हो, तो क्या पता अब जाके वो अपने चैनल को ही डिलीट कर दे? तो कहीं ये बातें जरा सोची जाती है। एंड जो ये चैनल है REDOXFF, इस चैनल पे आप जगह आप विजिट करोगे तो इस पे आपको 95% हैक की ही वीडियोस देखने को मिलेगी, सिर्फ हैक। तो आप इस बंदे के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हो कि ये बंदे ने लाइक वाइट 44 की रिकॉर्ड करके डाल दिया वीडियो एंड ये फलाना ढिमकाना वाइट 44 हैकर है, ये इसको कैसे यकीन कर सकते हो जब इसका चैनल ही हैक से चल रहा हो? तो बिल्कुल नहीं कर सकते गाइस, ये कॉमन सेंस है, जरा कॉमन बात है, जरा सोचो। मैं ना इस साइड को ना मैं उस साइड को, बस आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वाइट 44 एक अपने ऐसा इंसान है, बच्चा है, इंसान है, समझ लो आप, पर उसको इतना हिट ना दीजिए। क्योंकि आप जरा सोचिए, आप उसको अपनी जगह पे रखिए एंड आप खुद जरा सोचिए कि अगर मैं उसको अपने आप को उसकी जगह पे रखिए एंड जरा सोचिए अगर मेरे खिलाफ पूरी दुनिया हो जाती है, मेरे को हर जगह से गालियां मिल रही होती, तो अभी मेरा हाल क्या होता? कहीं ना कहीं मैं भी डिप्रेस में चले जाता, कहीं ना कहीं मैं खुद को प्रूफ करने के लिए इतना कुछ कर देता कि भाई मेरे को खुद नहीं पता होता कि मैं हैकर नहीं हूँ। यहाँ पे वीडियो यूज़ की गई है, यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज़ की गई है, यहाँ पे एडिटिंग यूज़ की गई है। ये बहुत डिफिकल्ट होता है गाइस, एंड इसको समझने के लिए सिर्फ वही बंदा समझ सकता है जिसके ऊपर ये बीत रही होती है। आई होप सो आप मेरी वीडियो को समझ गए होंगे, एंड थोड़ी सी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, एंड मैंने बहुत ही इजीली समझाने की कोशिश की। आई होप सो आपको थोड़ी सी भी अगर पसंद आएगी या फिर आपको ये लगता है, एंड अपने अपोनेंट में वो कमेंट करके बताना, मैंने अपना अपोनेंट दिया है, कैसा लगा मेरे को ये भी कमेंट करके बताना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, 9 लाख के बहुत ज़्यादा करीब है गाइस। तो चलो गाइस, मैं मिलता हूं आप लोगों को ऐसे एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा।